IQ Neo 9 Pro 1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, हम इसको काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर ना काफी सारी कमियां देखी है और बहुत सारी खूबियां भी इसके अंदर है, और ये स्मार्टफोन ना बहुत ज्यादा बिका है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अभी के टाइम में अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सही है या फिर नहीं है, या फिर किन चीजों के लिए सही, यानी कि गेमिंग के लिए सही है, कैमरा के लिए, डिस्प्ले के, पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इसको मतलब खरीदने की सोच भी रहे हो ना, तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 8128 की प्राइस है 34,999 रुपए है, और अगर आप 8256 के अंदर खरीदोगे तो वो प्राइस मिलेगी आपको 36,999 रुपए, और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाओ। तो मैं आपके लिए 8256 के अंदर ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं डाल सकते। और दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे 8256 के अंदर, उसके अंदर ये मिलेगा कि आपको UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगी, और 8128 के अंदर आपको यहाँ पे UFS 3.0 स्टोरेज ही मिलेगी। और अगर इसकी डिजाइन देखोगे ना, तो भाई साहब डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। हम इसको आउटडोर वगैरह के अंदर लेके गए थे जब हमने इसका शूट वगैरह किया था, कैमरा टेस्ट का वीडियो भी हमने आपको दिया है। वहां पर दोस्तों सभी लोगों ने यही पूछा कि भाई साहब ये स्मार्टफोन कौन सा है, क्योंकि इसके पीछे आपको दो कलर्स मिलते हैं और इसके पीछे आपको वेगन लेदर मिलती है, आप इसको ना बिना कवर के भी रख सकते हो, क्योंकि पीछे कोई भी फिंगर वगैरह नहीं छपते हैं, और हाँ कवर मिल जाता है साथ में, ट्रांसपेरेंट है, तो आप कवर के अंदर रखना चाहो तो कवर के अंदर भी रख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यार IQ ने ना आपको कवर वगैरह, चार्जर वगैरह सब कुछ बॉक्स के अंदर ही दिया है, आपको अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं। और जो फ्रेम है ना वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, और अच्छी बात यह है कि IQ के अंदर ना आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, जिससे आप AC वगैरह को कंट्रोल करना चाहोगे कर सकोगे। और जो फिंगरप्रिंट है वो आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलने वाला है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, क्योंकि अभी के टाइम में आपने देखा कि इस प्राइस के अंदर ना आपको कर्व्ड डिस्प्ले ही मिल रही है, पर इसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले है, क्योंकि यार मुझे स्पेशली फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको फ्लैट डिस्प्ले ही पसंद है। अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है तो आप किसी दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। और डिस्प्ले की साइज देखोगे ना, तो 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 1.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और इसके अंदर आपको 144Hz रिफ्रेश रेट मिलती है। तो हमने जहां तक यूज किया ज्यादातर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको 10-bit डिस्प्ले मिलती है, तो HDR 10 प्लस वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप YouTube पर 4K वगैरह के अंदर कंटेंट देखते हो तो कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती है, काफी अच्छे से चलता है, कोई भी लेग वगैरह का इशू नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे चिन और बेजल्स बहुत कम है, जब भी आप मूवीज वगैरह देखोगे ना तो भाई साहब बहुत ही मजा आएगा, और पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। और हमने इसको धूप वगैरह के अंदर भी ट्राई किया है, तो इसके अंदर आपको 3000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और 1400 nits की HBM ब्राइटनेस मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस के अंदर कोई भी कंजूसी नहीं की है, IQ के अंदर काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है। और इनका जो IQ 12 है, जो फ्लेक्सिप किलर है दोस्तों, उसके अंदर और यहाँ पे IQ Neo 9 Pro के अंदर एकदम सेम डिस्प्ले है, तो आप सोच सकते हो कि डिस्प्ले कितनी ज्यादा अच्छी है। तो डिस्प्ले से मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली है, मुझे इसकी डिस्प्ले पसंद है। और अगर बात करें ना परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ये IQ ना स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है, तो इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो कि 4nm पर बेस्ड है। और अगर इसके अंदर तो स्कोर देखोगे तो भाई साहब 16 लाख से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो स्मूथ एंड 90fps पर खेल सकते हो। तो भाई साहब गेमिंग के अंदर ना ये बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। तो यार गेमिंग के लिए अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का ही टारगेट है आपका, या फिर आप वीडियो एडिट वगैरह करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलता है यहाँ पे, कुछ एप्स मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा जिनको आप इजीली डिलीट वगैरह कर सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है दोस्तों, इसके अंदर आप जब भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे तो अगले वाले को पता नहीं चलेगा, यानी कि गूगल डायलर इसके अंदर नहीं मिलता है। तो देखिए गेमिंग के अंदर तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर ये आपको बेस्ट गेमिंग फोन मिलता है। और दोस्तों गेमिंग के साथ साथ में बैटरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5160mAh की बैटरी मिलती है, और 120W का चार्जर मिलता है, जो कि 10 मिनट के अंदर ना आपके 50% कर देता है। तो अगर आपकी बैटरी ड्रेन फास्ट हो भी जाएगी तो चार्जिंग भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इस प्राइस के अंदर यार आपको चार्जर भी काफी सही मिल रहा है, और बैटरी भी आपको ना यहाँ पे 5160mAh की मिल रही है। तो बैटरी और चार्जर भी पसंद आया, और यहाँ पे प्रोसेसर की तो मैं कह ही रहा हूँ कि प्रोसेसर के अंदर तो कोई भी शिकायत नहीं है। पर अगर बात करें ना कैमरा के बारे में, तो इसके पीछे आपको दो ही कैमराज मिलते हैं, जो मेन कैमरा है 50MP का है, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, और 16MP का फ्रंट कैमरा है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की है, यहाँ पे टॉक्स पोर्ट्रेट वगैरह से काफी अच्छी फोटो निकल कर आ जाती है। अगर आप इसके कैमरा के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने इसका अलग से कैमरा टेस्ट बना रखा है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर हमने सब कुछ बताया है वीडियो के बारे में, फोटोज के बारे में, पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो पूरी डिटेल में आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो यार मैंने जो कमी देखी इसके कैमरा के अंदर, फ्रंट कैमरा के अंदर सिर्फ आप 1080 FPS पर ही बना सकते हो, तो फ्रंट कैमरा के अंदर यार 4K का ऑप्शन मिलना चाहिए था। तो यार दोस्तों अगर मैं मेरा फाइनल रिव्यू आपको दूं कि स्मार्टफोन आपको ना यहाँ पे 35,000 रुपए के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो देखिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर आपका मेन टारगेट गेमिंग है और आप कभी कभार फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हो, मतलब इतना बुरा भी नहीं है कैमरा, अच्छा है, पर आप कभी कभार फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे डिजाइन, मुझे ये डिजाइन भी काफी अच्छी लगी, पर अगर आपको यहाँ पे रंग बिरंगे कलर्स अच्छे नहीं लगते तो इसके अंदर आपको एक ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा जिसके अंदर मेट फिनिश मिलती है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। और दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से मुझे इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है काफी अच्छे लगे। यार मैंने जो इसके अंदर देखा वो मैंने आपको बता दिया, अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।